नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजो नारायण। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम रिपोर्टर से जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी विधानसभाओं में चुनावी माहौल कैसा है। और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं मंगलौर और पौड़ी। यहां पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनावी माहौल कैसा है, आम जनता की समस्याएं क्या है, इस बार का चुनाव किन मुद्दों पर पौड़ीवासी और मंगलौरवासी लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि अब समय कम है और इस कम समय में जनता समझ चुकी है कि उन्हें क्या करना है। तो आखिर जनता ने क्या मन बनाया है, क्या ये 5 साल जनता को पसंद आए हैं या फिर कुछ और विकल्प तलाशने की तैयारी जनता ने कर ली है, उनके मन में क्या चल रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या उनके क्षेत्र के विधायक उन तक पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। वही इन 5 सालों में विकास कितना उनके क्षेत्रों तक पहुंचा है ये भी जानेंगे। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तमाम जो समस्याएं हैं, क्या उनसे निजात आम लोगों को मिल पाई है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें देखिए, मंगलौर की तस्वीरें हैं जहां पर विकास दिखाई दे रहा है, लेकिन अब तो ये जनता ही बता पाएगी कि उन्होंने मन क्या बनाया है। देखिए, सड़कें तो पूरी तरह से एकदम सही नजर आ रही है। दूसरी तरफ पौड़ी की तस्वीरें आप देखेंगे तो भारी बर्फबारी, मौसम बेहद ठंडा है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो बहुत ज्यादा तेज नजर आती है। ये कुछ तस्वीरें, आपको बता दूं कि ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ है और ये जो जवान है इनकी तारीफ जमकर की जा रही है। दरअसल ठंड की वजह से एक बुजुर्ग जो है वो बर्फबारी में फंस गया था, जिसकी वजह से जवान यहाँ पहुंचे हैं और फिर कंधे पर उठाकर उसे सकुशल बचाया है वहां पे, जिसकी वजह से जवानों की बहुत तारीफ हो रही है। तो पौड़ी के हालात ऐसे हैं कि वहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है। तो चलिए, मंगलौर से मेरे सहयोगी अखिल अहमद और पौड़ी से मेरे सहयोगी भगवान सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करूंगी मैं पौड़ी का। भगवान सिंह, पौड़ी में फिलहाल मौसम बहुत ही सर्द है, भारी बर्फबारी हो रही है, तो ऐसे में चुनावी माहौल कितना गर्म है ये मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ। बारिश हो रही थी उसपे पहाड़ी क्षेत्र हमारा, क्योंकि पौड़ी जिला एक पहाड़ी क्षेत्र माना जाता है, और यहाँ पे की बर्फबारी जो हो रही थी, अब हालांकि आज राहत की सांस है क्योंकि आज पौड़ी में धूप खिली है। साहब आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि धूप खिली नजर आ रही है, लेकिन जो यहाँ पे जो बर्फबारी हुई है तो वहाँ की मैं बता दूं आप सबसे पहले आपको श्रीनगर विधानसभा की हाल की, जो कि थैलीसैंड और भरसार साइड में और चौबट्टा खाल विधानसभा और यमकेश्वर विधानसभा और पौड़ी विधानसभा और कोटद्वार विधानसभा, कोटद्वार में तो हालांकि बर्फबारी नहीं हुई है। बर्फबारी का जो महत्वपूर्ण चीजें है, जो 4 विधानसभा है, 5 विधानसभा पौड़ी होगी, श्रीनगर विधानसभा हो गया और लैंचडॉन विधानसभा होगी और आपका यमकेश्वर विधानसभा और चौबट्टा खाल विधानसभा, लगातार यहाँ पे जो बर्फबारी हो रही है। तो वहाँ पे जो वहाँ के प्रत्याशी है, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा हो, क्या अन्य दलों के प्रत्याशी हो, तमाम सभी यहाँ पे अपने प्रचार पे जुटे हैं। लेकिन प्रचार के कारण से थोड़ा सा दिक्कत ये हो रही है कि बारिश के कारण से लोगों को काफी दिक्कतें सामने होने पड़े। जो तस्वीर आप हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, मैं इसके थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ आपको कि ये जो तस्वीर है जो उस शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के जो उनके गनर है उनके ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो है। मैं आपको बता दूं कुछ लोगों ने इस पे थोड़ा गलत कमेंट भी किया था, मैं आपको थोड़ा क्योंकि दर्शकों को हमें इसलिए जरूर बताना पड़ता है क्योंकि लोग जो सोशल मीडिया पे या तमाम जो लोग इस पे कमेंट करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कहा गया था कि पुलिस का जवान जो है कि व्यक्ति को गलत तरीके से या उस तरह से ले जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं उनका यह कहना था कि जो व्यक्ति बर्फबारी में फंसा हुआ था उसको पानी में वो बर्फ के नीचे वो से त्रासा था, जिसके कारण से उसको उल्टा करके लाना पड़ा क्योंकि जो पानी उसके मुंह के अंदर ये जाए उसको बाहर निकला जाए इस तरीके से। लेकिन वहीं इस वीडियो की सोशल मीडिया पे काफी तारीफ हो रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कमेंट जिस तरह से किया जाता है, तो मेरा उन लोग अपने न्यूज वर्ल्ड के इंडिया की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया आप लोग पहले जवानों का हौसला बढ़ाए, इस तरह से उनका मनोबल ना तोड़े, क्योंकि बर्फबारी में अगर इस तरह से वो एक पूरी रात काटी उस व्यक्ति ने और उसके बाद उसके जो धन सिंह रावत को विनोद बिष्ट जो कि जो उनके गनर है उन सुरक्षा
वो उनको अपने साथ कंधे में बैठा के और उनके अपने साथियों अपने ग्रामीणों के साथ, तो वहाँ पे लोगों की यही कहना है कि इस तरह से जो जो पुलिस जवान ने किया है उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और उनके परिजनों ने यही कहा है कि अगर जवान इस तरह से उनके साथ सहयोग नहीं करता तो शायद कहीं ना कहीं एक चलिए ठीक है भगवान सिंह, ये तो बात हो गई उस वीडियो की जो कि बहुत खूबसूरत वीडियो है, किसी की जान यहाँ पर जवानों ने बचाई है, उनकी हौसला अफजाई भी खूब सोशल मीडिया पे हो रही है। अब आपने यहाँ पर विधानसभाओं का जिक्र किया है, 5 विधानसभा आपने बताई है, 5ों विधानसभा ऐसी है जो कि हॉट सीट है और कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, जराधार कितना है यहाँ पर पहले तो ये बताइए। बिल्कुल, मैं सबसे पहले लेता हूं आपको पौड़ी विधानसभा। पौड़ी विधानसभा वर्तमान के जो विधायक थे यहां पे मुकेश कोहली भाजपा के, उनका इस बार टिकट उनको नहीं मिला गया, जिसके बाद उनको राजकुमार पौड़ी को जो टिकट मिला है, जो कि एक पूर्व जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत में सदस्य भी रह चुके हैं और तमाम जो भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ उनकी बैठ ठीक थी, जिसके कारण से उनको भाजपा ने अपने पौड़ी विधानसभा आरक्षण सीट है इस पे सीट पे उनको घोषित किया गया है। तो वही बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस के यहाँ पे जो नवल किशोर जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है, पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं और वर्तमान में अब प्रत्याशी कांग्रेस के, वही आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहाँ पे जो मनोलाल पाड़ी है वो आम आदमी पार्टी, यूकेडी से पूनम टमटा जो कि यूकेडी जो स्थानीय पार्टी है उसके भी प्रत्याशी है। लेकिन सबसे बात की मुद्दा यह है कि पौड़ी का बस अड्डा, शायद हमने पहले भी एक बार डिबेट चलाई थी और ग्रामीणों ने रोड़ों के समस्या के लिए ही कहा था कि पौड़ी के विधायक जो मुकेश कोहली की लेके तमाम लोगों ने काफी समस्या बताई थी, कलजीखाल ब्लॉक की बताऊं चाहे चोबट्टा खाल की बताऊं, तमाम सभी लोगों के यही कहा था। सतपाल महाराज की बात करूं तो सतपाल महाराज समय ब्लॉक टू ब्लॉक अपने वोट मांगने के लिए जा रहे, तो कहीं जगह उनका विरोध भी, उनके पुत्र को भी विरोध देखने पड़ा और तमाम जो धन सिंह रावत है जो श्रीनगर विधानसभा के विधायक भी है और वर्तमान के जो कैबिनेट मंत्री भी थे, स्वास्थ्य मंत्री भी थे और प्रोटोकॉल मंत्री, और बात करें तो श्रीनगर विधानसभा की और कोटद्वार की बात करें तो इस बार हरत सिंह रावत की तो जो बात कहूं तो हरत सिंह रावत तो पाला पलट चुका है क्योंकि वर्तमान में अब वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और अपनी बहू के टिकट मांगा था उन्होंने और लैंसडाउन विधानसभा से उनके पास जो कि प्रत्याशी कांग्रेस की है, तो वही लैंसडाउन विधानसभा के जो वर्तमान के विधायक है दिलीप सिंह रावत जो कि महंत है, वो कि उन्होंने यही कहा था कि एक बार कहीं मीडिया सोशल मीडिया पे वीडियो आई थी, चाहे वहां पे कोई भी गुसाई आ जाए चाहे कोई भी रावत आ जाए तो मैं इसके लिए डरने वाला नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे जरूर देखने को मिलेगा। तो बात करें आप यमकेश्वर की, यमकेश्वर भी विधानसभा में भी जो कि वर्तमान के जो विधायक थी ऋतु भूषण खंडूड़ी बीसी खंडूड़ी की पुत्री, उनका भी टिकट काट के उनको दूसरे जगह कोटद्वार भेजा गया जहाँ पे हरत सिंह रावत की विधानसभा थी। अब यहाँ पे यमकेश्वर विधानसभा की बात बताऊं मैं थोड़ा आपको दर्शकों को कि यमकेश्वर विधानसभा का ब्राह्मण वोट ज्यादा है यहाँ पे, इसीलिए जो कहा गया था, लेकिन इस बार रेणु बिष्ट को यहाँ पे जो दिया गया है तो यहाँ पे कांटे की टक्कर में आपको कहूं तो इस बार यमकेश्वर विधानसभा सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर यमकेश्वर और चोबट्टा खाल विधानसभा में और 3 विधानसभा श्रीनगर विधानसभा इनमें बड़ा मुकाबला है। लेकिन वही बात करूं मैं आपको तो श्रीनगर विधानसभा की बात करें तो धन सिंह रावत है प्रदेश अध्यक्ष, गणेश गोदिया है। भगवान ये देखिए आपने पूरा बहुत अच्छे से एलैबोरेट कर दिया है, कौन प्रत्याशी कहां से है, किसके बीच क्या टक्कर है, वाकई तारीफ करनी होगी कि आप फील्ड पर निकले हुए हैं और सारी जानकारी आपने जुटाई हुई है। तो अब आप ये भी बता दीजिए कि आम जनता किस पर विश्वास जता रही है, यूकेडी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, किस पर विश्वास है, किसको पसंद कर रही है आम जनता? बिल्कुल मैं आपको बात बताऊं यमकेश्वर विधानसभा की बात करें तो इस बार लोगों ने यहां पे मन बना चुका है कि इस बार परिवर्तन होता है क्योंकि यमकेश्वर विधानसभा बीजेपी का गढ़ माना जाता है इस बार यहां पे, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता है, क्योंकि यमकेश्वर विधानसभा जो विकास कभी नहीं हुआ था वो विकास यमकेश्वर ब्लॉक के महेंद्र राणा ने किया है, तो जिसके साथ क्योंकि कांग्रेसी नेता उनको टिकट मांग रहे थे, तो इस बार मेरे को जहां लोगों का यही अरमान है इस बार यहां पे शैलेंद्र रावत को की यहां के जनता पसंद कर रही है क्यों? और बात करें श्रीनगर की तो श्रीनगर में यहाँ पे धन सिंह रावत को देख के कहीं कहीं पे भी उनका विरोध हो रहा है और गणेश गोदियाल के पक्ष में लोग मतदान करें तो सतपाल महाराज और केसर सिंह ने यहाँ पर कांग्रेस के चांसेस हैं कहा जा सकता है। बिल्कुल मैं न्यूज वर्ल्ड के माध्यम से दर्शकों को थोड़ा ये बता दूं कि इस बार जो भी टक्कर है बिल्कुल कड़ाके की ठंड जिस तरह से कहा जाता है उसी तरह से कड़ाके की टक्कर मानी जा रही है। भगवान मैं आपको रोकूंगी, आप मेरे साथ बने रहिए, मंगलौर से अखिल अहमद भी मेरे साथ बने हुए हैं, उनका मैं रुख करूंगी फिर आपके पास वापस लौटूंगी। अखिल, मंगलौर विधानसभा में कैसे हालात बने हुए हैं, कुछ तस्वीरें आपने भेजी थी
जो शहरी तस्वीर थी वो तो ठीक ठाक नजर आ रही है, लेकिन अगर ग्रामीण इलाकों की हम बात करें तो वहां पर सड़कें टूटी फूटी हैं और अभी भी कुछ कच्चे मकान दिखाई दे रहे हैं, यानी कि योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है लोगों को। देखिए, मैं सबसे पहले आपको मंगलोर विधानसभा का इतिहास बताना चाहूंगा। मंगलोर विधानसभा उत्तराखंड बनने के बाद 2002 में अस्तित्व में आई थी और 2002 में बसपा से काजी निजामुद्दीन पहली बार यहां विधायक बने थे और 2007 के विधानसभा चुनाव में पुनः काजी निजामुद्दीन बसपा से ही दोबारा विधायक बने। उसके बाद 2012 की बात करें तो जो विधायक काजी निजामुद्दीन है वो बसपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे और हाजी सरवत करीम अंसारी बसपा से चुनाव लड़े थे और 2012 में हाजी सरवत करीम अंसारी बसपा से मंगलोर विधानसभा चुनाव जीता था। लेकिन 2017 के चुनाव में की बात की जाए तो 2017 के चुनाव में कांग्रेस से चुनाव लड़े काजी निजामुद्दीन ने एक बार फिर यहाँ से जीत दर्ज की थी। इस बार यहाँ जो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है बसपा के हाजी सरवत करीम अंसारी और कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन के साथ साथ ही अन्य पार्टियां भी दमखम लगा रही है। बात करें भाजपा की तो भाजपा की जिस सीट मंगलोर सीट हमेशा टेढ़ी सीट साबित हुई है, इस बार भाजपा से यहां दिनेश पवार चुनाव लड़े, इसके साथ साथ आजाद समाज पार्टी से राठी चुनाव लड़े, उसके साथ एक और नई पहली बार चुनाव जाए आजाद समाज। एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी, आपको रोकना चाहूंगी। आपने पूरा बताया कि मंगलोर जो विधानसभा है इतिहास उसका 2002 से शुरू होता है और अब 2022 है, यानी कि अब चुनाव बेहद नजदीक है। इससे ये समझ में आता है कि बीजेपी को यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत मुसीबत झेलनी पड़ी है, क्योंकि बसपा में पहले काजी निजामुद्दीन थे तब वो जीते हैं, उसके बाद वो कांग्रेस में आ गए तब भी वही जीते, उसके बाद 2017 में भी वही जीते हैं। इस बार क्या लग रहा है, काजी निजामुद्दीन की वापसी होगी या इस बार तख्ता पलट होगा? देखिए, इस बार 2022 की चुनाव की बात करें तो इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है हाजी सरवत करीम अंसारी और काजी निजामुद्दीन के बीच। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस बार जो नई पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर आजाद समाज पार्टी की बात करें तो उन्होंने भी अपनी कैंडिडेट मंगलोर विधानसभा में उतार दी है, लेकिन जो सीधी टक्कर देखने को मिलेगी वो हाजी सरवत करीम अंसारी जो कि बसपा के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी जो काजी निजामुद्दीन है उनके बीच सीधी टक्कर को देखने को मिलेगी, लेकिन जो और प्रत्याशी हैं वो भी काफी मशक्कत कर रहे हैं। काजी निजामुद्दीन से जनता खुश है इसीलिए बार बार वो विधायक बन रहे हैं? देखिए, जनता पूरी तरह तो खुश नहीं होती, कुछ अपोजिशन वाले भी होते हैं जो विरोध भी करते हैं, लेकिन जो हम भी युवा की टीम भी गांव-गांव जाकर जनता का मूड डाल रही है तो अधिकतर जो जनता है वो काजी जी जो काजी निजामुद्दीन है उनके विकास कार्य बता रहे हैं। जो काजी निजामुद्दीन का यह कहना है कि जब भी वे विधायक बने हैं तो विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन अपने स्तर पर उन्होंने काफी काम करे हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो हमेशा उनको विकास को लेकर घेरते हैं तो उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया। जब उनका कहना या फिर उनका समर्थकों का कहना है कि उन्होंने काफी विकास कार्य मंगलोर विधानसभा में किए, इसी वजह से तीन बार वो विधायक भी बन चुके हैं। और बात करें उनके पिताजी की, जो काजी मोहिद्दीन साहब थे वे कद्दावर नेता रहे हैं और 6 बार विधायक रहे हैं और 2 बार यूपी के टाइम में मंत्री भी रह चुके हैं। और चलिए अखिल ये बताइए कि मंगलोर में आम जनता को सबसे बड़ी समस्या क्या है, इस बार का चुनाव मंगलोर की जनता किस मुद्दे पर वोट डालेगी? देखिए, मंगलोर की बात करें तो मंगलोर में 90-50 की नगर पालिका है, लेकिन यहाँ कुछ इतना विकास कार्य नहीं हो पाया जितना मंगलोर में हो जाना चाहिए। यहाँ बात करें जो अच्छे हॉस्पिटल है, फिर शिक्षा की बात करें तो कोई बड़ा कॉलेज नहीं है, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, बेरोजगारी की समस्या भी मंगलोर में देखी जा रही है। तो ये मेन मुद्दे रहेंगे मंगलोर विधानसभा चुनाव में, शिक्षा का मुद्दा रहेगा, स्वास्थ्य का मुद्दा रहेगा, ये मुद्दे जो है सभी पार्टियां लेकर चल रही है। ठीक है, एक बात बताइए अखिल, जब आप आम जनता के बीच पहुंचते हैं तो क्या लगता है, एक बार फिर से काजी निजामुद्दीन को वो गद्दी पर बिठाना चाहते हैं या इस बार की नाराजगी ज्यादा है? देखिए, जो सिटिंग एमएलए होता है या कोई भी सरकार होती है, कुछ विरोध तो उसका होता ही है, लेकिन बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की अच्छी लहर है मंगलोर विधानसभा में, आस पास जैसे झबरेड़ा में भी कांग्रेस की लहर दिया जा रही है, लेकिन जो और प्रत्याशी वो भी काफी टक्कर दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि एक तरफा मामला है, वो भी काफी टक्कर देते नजर आ रहे हैं, तो काफी टक्कर देखने को मंगलोर विधानसभा में इस बार विधानसभा चुनाव में मिलेगी और जो प्रत्याशी है वो कड़ा मुकाबला करने को तैयार है और जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं और सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, पौड़ी का मैं रुक करूंगी। भगवान सिंह लगातार मेरे साथ बने हुए हैं।
भगवान सिंह, आपने सारी जानकारी मुझे दी, कितनी विधानसभा है और यहाँ पर किस तरह के हालात बने हुए हैं और कौन कौन सी पार्टी में कितनी कांटे की टक्कर देखने के लिए मिलती है। देखिए, श्रीनगर की मैं बात करूँ या कोटद्वार की मैं बात करूँ या पौड़ी की बात करूँ, चौबट्टा खाल या अंकेश्वर की बात करूँ, तो इनमें कई इलाके ऐसे हैं जो पहाड़ी क्षेत्र हैं। पहाड़ी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। इस वक्त बर्फबारी हो रही है, कई मैदानी इलाके हैं जहाँ पर बारिश का मौसम बना हुआ है। बहुत सारी दिक्कतें आम जनता को देखनी पड़ती है, उसे जूझना पड़ता है। तो क्या उनके पास योजनाओं का लाभ पहुंच पाता है, जो समस्या उन्हें आ रही है उसका निदान वहां पर हो पाता है, उससे निजात मिल पाती है? देखिए, मैं आपको बता दूं काजोल की पौड़ी जिले के 6 विधानसभा है। 6 विधानसभा, यमकेश्वर हो गया, चौबट्टा खाल हो गया और आपकी लैंचडोन हो गया, कोटद्वार हो गया, कोटद्वार प्लेन्स एरिया है, सिटी एरिया है, श्रीनगर है वो भी पहाड़ी क्षेत्र है, आधा पहाड़ी है आधा वैसा है। लेकिन महत्वपूर्ण की बात बताऊं तो 2 विधानसभा मुझे सबसे ज्यादा दिक्कतें सामने नजर आते हैं, क्योंकि स्वयं मैं जब उस क्षेत्र में आता हूँ और लैंचडोन विधानसभा की, वहां पे जो एक पर्यटन के लिए लैंचडोन कहा जाता है, पर्यटन नगरी, क्योंकि लैंचडोन एक टूरिस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, विदेशों में भी उसका लैंचडोन के लिए कहा जाता है कि लैंचडोन एक खूबसूरत जगह है। खूबसूरत जगह के साथ साथ मैं बता दूं सबसे महत्वपूर्ण कि डेरेखाल ऐसी जगह है कि जहां पे अगर ना आप कोई भी व्यक्ति अगर ना पर्यटन आता है तो अपनी सोशल मीडिया पर एक तस्वीर नहीं डाल सकता, क्योंकि वहां पे नेटवर्क की सबसे ज्यादा समस्या है और पानी की सबसे ज्यादा दिक्कत है। तो यमकेश्वर विधानसभा में, क्योंकि यमकेश्वर विधानसभा जब से उत्तराखंड बना तब से वहां पे बीजेपी का विधायक है। तो कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार में तो उठक पटक हो जाता है, कभी कोई आ जाता है कभी कोई चला जाता है। स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह ने इस बार यमकेश्वर विधानसभा में समस्या पानी की बताई है और आपने कहा है कि यहाँ पर बीजेपी के विधायक है और बहुत बड़ी योजना जो केंद्र सरकार की तरफ से है वो ये है कि हर घर नल से जल मिलना चाहिए, तो इसका मतलब वहां पर वो योजना नहीं पहुंची है, पानी की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है, तो नाराजगी है बीजेपी से? बिल्कुल काजल, मैं आपको बता दूं, देखिए नल तो लगे हैं, नल के अंदर जब पानी नहीं आएगा तो नल का क्या करना है? जब जनता, आम जनता को, जनमानस को पानी नहीं मिल पाएगा तो नल लगा के क्या फायदा है? क्योंकि वर्तमान के जो विधायक है यहाँ पे रितु खंडूड़ी है, उससे पहले पूर्व विधायक थी जो कि विजय बर्तवाल विधायक थी, क्योंकि 3 विधायक रह चुकी है। और चौबट्टा खाल की बात करें, लैंचडोन के लिए तो मैं सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि दिलीप रावत कहते हैं कि उनके पिताजी भी विधायक रह चुके हैं और वो भी विधायक रह चुके हैं कि मैं लैंचडोन की एक बात हूँ, मैं एक बयान उनका, बहुत मुझे भी बड़ा दुख होता है जब कोई व्यक्ति या राजनेता कोई ऐसी बातें कहता है कि लैंचडोन में बहुत विकास हुआ है। मैं दिलीप सिंह रावत जी को निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया आप एक डिजिटल की बात करते हैं और डिजिटल की बात करते हैं, नेटवर्क की सबसे ज्यादा समस्या है। मैं स्वयं कई बार वहां पे जाता हूं कि मैं अपने दर्शकों को सोशल मीडिया पे नई चीजें अपलोड करूं या अपने चैनल के माध्यम से या न्यूज वर्ल्ड के माध्यम से लाइव चलाऊं, लेकिन लाइव कहां से चलेगा जब वहां पे नेटवर्क नहीं होगा? नेटवर्क नहीं, अगर ना मैं भी सिटी में, पौड़ी जिले में नहीं होता तो शायद मैं भी लाइव नहीं आ पाता। 2 साल से कोरोना काल है तो वहां के जो मासूम बच्चे हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई कैसे करी है जब नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम है? तो मैं आपको कहूँ, कहते थे ना एक बार जब पुराने टाइप पे टीवी का नेटवर्क को एंटेना होता था ना, उसको घुमाया जाता था, तो इस बार भी लोगों को यही, बच्चों को यही था कि कहाँ पे नेटवर्क है वहां पे जाएं, तो रात को जा नहीं सकते, जंगली जानवरों को खतरा है, तो कहीं पे नेटवर्क आ भी गया गनीमत से तो काफी दिक्कत है। और यहाँ पे आप जो कि वर्तमान की जो कांग्रेस प्रत्याशी जो हरत सिंह रावत की पुत्र वधू जो अंकुति गुसाई है, वो उसका यही कहना है इस बार अगर ना जनता मेरे को चुनती है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नेटवर्क की, और हालांकि उन्होंने एक बार बीच में कहीं पे टावर भी लगवाया है अपनी संस्था से, कहीं पे क्या लगाया है ये, क्योंकि ये तो वो जाने या उनके पिताजी जाने, क्योंकि उनके ससुर जो है कि दिग्गज नेता कैबिनेट मंत्री थे उस समय, तो उनकी बातों पर जनता विश्वास कर पा रही है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं अगर ना मनोबल देखे जाए तो इस बार लैंचडोन विधानसभा शायद, मुझे जहां तक अरमान है कि इस बार मून बना चुकी है, कि कहना है कि अलकुति गुसाई का कि इस बार मैं यहां पे विधायक नहीं हूं, एक बेटी हूं, क्योंकि उनका मायके उधर ही आता है, तो इस बार उनका विजाज यही है कि लैंचडोन की मातृ शक्ति उनके साथ जाबा देखने को मिल रही है। और जहां तक अरमान है तो इस बार शायद यहां पे दिलीप सिंह रावत की सीट जा सकती है, और यहां की श्रीनगर विधानसभा की बात है वहां पे भी डामाडोल है, और यमकेश्वर विधानसभा है, तो मैं यकीन करता हूं कि इस बार लोग यहां पे मन बना चुके हैं कि यहां पे कांग्रेस का जो शैलेंद्र रावत है उनके पक्ष में मतदान करेंगे और उनके पक्ष में उनको एक विधानसभा पहुंचाएंगे। अब ये तो जब चुनाव के नतीजे के बाद जिस दिन रिजल्ट होगा उसी नहीं पता चलेगा कि कौन सच था कौन झूठा था, तो कहीं ना कहीं अब यहां पे जनता का मूड जो है तो परिवर्तन का है। हालांकि मैं कहूं कि केंद्र से लोग कहते हैं कि मोदी जी के कारण से लोग
ठीक ठाक है, मोदी जी के कारण से हमें फ्री राशन मिलती है, फ्री वो मिलता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की यही कहती है कि कांग्रेस का यही कहना है कि जब चीनी मिलती थी वो चीनी भाजपा ने बंद कर दी केंद्र सरकार ने, वो चीनी जो बच्चों को मिलती, जो छोटे बच्चे होते थे उनको दूध पीने के लिए मिलती थी, आज की डेट में वो चीनी बंद हो चुकी है। तो भाजपा यही कहना है कि कांग्रेस का यही कहना है भाजपा के लिए कि भैया भाजपा वालों आप ये सुन लो कि जो चीनी पहले मिलती थी वो चीनी गई तो गई कहाँ। ठीक है, अब भगवान मैं अखिल का रुख करूंगी। अखिल देखिए, अभी हमने पौड़ी से हालात जानने की कोशिश की। देखिए पौड़ी में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जो विधानसभाएं हैं वहां पर कांटे की टक्कर है, क्योंकि बड़े बड़े चेहरे मैदानी क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं इस चुनाव में। वही अगर मैं मंगलौर की बात करूं तो मंगलौर में जनता ने किस पर विश्वास बनाया है और मंगलौर में क्या कनेक्टिविटी की कोई समस्या है, क्योंकि पौड़ी में तो बहुत ज्यादा है। देखिए मंगलौर विधानसभा की बात करें तो मंगलौर विधानसभा प्लेन एरिया है, यहाँ कनेक्टिविटी की कोई भी ऐसी सुविधा तो बच्चों को पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं हुई है इन दो साल में, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी कोरोना की वजह से। बिल्कुल, जैसे बात करें तो जैसे कोरोना का चल रहा था तो अभी भी स्कूल कुछ बंद है, अभी भी जो बच्चे हैं ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इस तरह की कोई भी समस्या नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि उन्हें कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं हुई है, उनकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ा है। अखिल आम जनता की समस्या बताइए, युवाओं की समस्या बताइए, युवा क्या चाहता है, क्योंकि युवा फिलहाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए मैं मंगलौर क्षेत्र की बात करूं तो मंगलौर क्षेत्र में काफी युवा भी हैं। बात करें मंगलौर के एक भरेडी गांव है जहां से अंतर्राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी भी निकल चुके हैं, लेकिन यहाँ जो युवाओं के लिए कोई खेल स्टेडियम की सुविधा नहीं है। जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं वो सभी ये कह रहे हैं कि इस बार अगर हम चुनाव जीते तो जो स्टेडियम बनवाएंगे युवाओं के लिए खेल स्टेडियम बनवाएंगे, लेकिन अभी इतना पुराना कस्बा होने के बाद भी यहाँ कोई खेल स्टेडियम युवाओं के लिए नहीं है ताकि वहाँ वो प्रैक्टिस कर सके। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में कुछ नेताओं ने अपना ये मुद्दा भी बना लिया है कि यदि वो चुनाव जीते विधानसभा गए तो युवाओं के लिए मंगलौर क्षेत्र में खेल स्टेडियम बनाया जाएगा, लेकिन वो कब पूरा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और मैं बात करना चाहूंगा कांग्रेस की, तो कांग्रेस को इस बार 2012 में जो लोकदल से चुनाव लड़े थे गौरव चौधरी और उनके जो पिताजी हैं जो विधायक भी रह चुके हैं, इस बार उन्होंने पाला बदलकर अभी 10-15 दिन पहले ही कांग्रेस ज्वाइन की है। और दूसरी दिलचस्प बात यह है कि पिछली 2017 में जो विधानसभा भाजपा से चुनाव लड़े थे ऋषि पार बालियान, जिनको पहली बार भाजपा से 17,300 के लगभग वोट मिले थे, उन्होंने भी कांग्रेस का दामा थाम लिया है। तो इस बार मंगलौर विधानसभा में कांग्रेस जो है मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। देखिए कांग्रेस की मजबूत स्थिति नजर आती है पौड़ी में भी मंगलौर में भी, यानी कहा जा सकता है कि इन 5 सालों में जो 3 मुख्यमंत्री के चेहरे बदले हैं वो कहीं ना कहीं जनता उनसे खफा है और वो जनता को अब तक समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये मुद्दा तो सभी पार्टियां उठा रही है भाजपा के लिए। बात करें मंगलौर विधानसभा की तो मंगलौर विधानसभा किसान बाहुल्य क्षेत्र में काफी संख्या में किसान यहाँ खेती करते हैं। अभी जो दिल्ली में किसान धरने पर बैठे थे एक साल कुछ 1.5 साल के करीब धरने पर बैठे थे, इससे जो भाजपा सरकार से कुछ किसान नाराज भी हैं, अभी तक नाराज भी हैं। और किसानों ने यह भी कर दिया था कि जो भी भाजपा को हराने वाला कैंडिडेट होगा वो उसको ही वोट देंगे, लेकिन कुछ बार जो प्रत्याशी हैं दिनेश पवार जी जो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं वो किसानों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि किसान को मनाने में कहाँ तक कामयाब होते हैं। चलिए ठीक है अखिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। भगवान सिंह आपका भी बहुत शुक्रिया अलग अलग विधानसभाओं के बारे में बताने के लिए, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा जो बड़े चेहरे हैं वो मैदान में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर गद्दी पर कौन विराजमान होगा। क्योंकि अगर पौड़ी मंगलौर की हम बात करें तो दोनों ही क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, तो ऐसे में क्या कांग्रेस कड़ी टक्कर बीजेपी को दे पाएगी, तो 10 मार्च का इंतजार हमें करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे कुछ और विधानसभाओं के साथ और जानने की कोशिश करेंगे वहां के हालात। शुक्रिया।